और भारत सरकार में केंद्र राज्य मंत्री अब मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, नगर निगम में वरिष्ठ उप महापौर अब मेरे बड़े भाई देवेंद्र चौधरी जी, नगर निगम में पार्षद बड़े भाई बिल्लू पहलवान जी, नगर निगम में ही पार्षद मेरे साथी बड़े भाई ओम प्रकाश जायसवाल जी, रवि भड़ाना जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, शीशपाल पहलवान जी, मीना पांडे जी, उमेश ठाकुर जी, प्रमोद जी, मदन पुजारा जी, बीके अग्रवाल जी, मेरे गांव एकनाथपुर की सरदारी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहन, मेरे प्यारे भाइयों, आज ये बहुत ही खुशी का क्षण है जो एक सपना था हमारे लिए गांव एकनाथपुर का नया कपूर बनना, आज माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा वो सपना साकार हो रहा है और 17 करोड़ की लागत से विशाल पुल बनने आपके लिए तैयार है जो आपसे समर्पित है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी गड़बड़ कर दी इतनी देर में, और सच बताओ तो हमने सोचा भी नहीं था कभी ये पुल बन के तैयार भी होगा, क्योंकि इससे पहले जो आप विधायक थे, आप गांव एकनाथपुर में आए थे, मैंने आपने आप चुनाव में वोट मांगने आए थे, मैंने गांव में आपसे गुजारिश की थी माननीय मंत्री जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक गांव के नहर के लिए पुल चाहिए, क्योंकि राजीव नगर एकनाथपुर धीरज नगर के लोगों को नहर को पार करने में बड़ी कठिनाई होती है। आपने एक शब्द कहा था, आपने कहा था अजय जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में देश बनेगी तेरा पुल बनकर तैयार होगा, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में और देश में बनी, माननीय मंत्री जी ने 15 दिसंबर 2015 को इस पुल का शिलान्यास किया और रिकॉर्ड टाइम में पुल बनकर तैयार हुआ, और इतना खूबसूरत पुल दुनिया तो छोटे पुल की बात करती थी, मंत्री जी आपने हमें 4 लेन का पुल दिया है 17 करोड़ की लागत का, ये सपना साकार हुआ है हमारे गांव का। और यही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गांव एकनाथपुर कम्युनिटी सेंटर की डिमांड बहुत सालों से लगता था, माननीय मंत्री जी और भाई देवेंद्र ने 2,48,00,000 का कम्युनिटी सेंटर पास करा के दिया है, इसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी किसी भी तारीख बताएंगे उस दिन हो जाएगा। छोटी छोटी मांगे थी, धीरज नगर अप्रूव कॉलोनी थी, वह काम नहीं हो सकते थे, इससे पहले पार्षद रहे बोलते थे एंटरप्राइज कराने काम नहीं होते, माननीय मंत्री जी ने नगर निगम चुनाव से पहले वहाँ काम करके दिखलाए, वहाँ काम हो सकते हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूँ, माननीय मंत्री जी और देवेंद्र चौधरी जी ने धीरज नगर की सारी गलियां पक्की करने का प्रावधान कर दिया है, अमृत योजना से हर गली में सीवर लाइन डलेगी, हर गली में पीने का पानी होगा और सारी गलियां पक्की होंगी, ये माननीय मंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि एक विकास पुरुष ही विकास ही काम कर सकता है, ना कि कोई और कर सकता है। इनसे पहले भी एमएलए रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, हमसे पहले भी यहाँ पार्षद रहे, लेकिन नीति गोली सत्ता के लोग ही वोट ले जाते थे। ये चौधरी कृष्णपाल गुजर ही है, धरती का पूत है और गांव देवला और एकनाथपुर फर्क नहीं है, दोनों गांव एक है। मैं तो कहता हूँ माननीय मंत्री जी भी हमारे गांव के ही बच्चे हैं हमारे, और हमें बड़ी खुशी होती है जिस तरह से हमारे काम करते हैं, हमारी सारी मांगे पूरी करते हैं, आने वाले टाइम में और भी काम होंगे। एक मांग में माननीय मंत्री जी की संज्ञान लेना चाहूंगा और देवेंद्र चौधरी जी की संज्ञान लेना चाहूंगा, हमारी एक और मांग है गाँव की। वैसे तो आपने हमें बहुत खुश किया मंत्री जी, गांव का स्कूल जो 8वीं तक है उसको 12वीं तक करा जाए, ताकि हमारे राजीव नगर धीरज नगर एकनाथपुर के बच्चे और हमारी बच्चियां बाहर ना जाए, गांव में ही शिक्षा प्राप्त करके 12वीं कक्षा पास कर सके। समय बहुत हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, आप इतनी भारी संख्या में अपने बच्चे को आशीर्वाद देने आए, और नगर निगम की तरफ से देवेंद्र चौधरी जी की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वार्ड नंबर 26 में कोई भी काम बकाया नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वादा करता है उसे पूरा करके ही साफ करता है, उससे पहले बैठकर नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद जो आप पधारे। माननीय मंत्री जी से पहले मैं आग्रह करूंगा अपने बड़े भाई
चौधरी देवेंद्र जी थे, वो आपके समक्ष आए और दो शब्द बोले देवेंद्र चौधरी।